गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम अगेन टू योर कंप्यूटर क्लास। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर 7, दैट इज कीबोर्ड। टुडे वी विल डू सिंबल कीज गिवन ऑन योर बुक पेज 62। Students, identify this device. This is keyboard. Computer पर keyboard से काम करते हो? Yes. Keyboard is used to type words and numbers. अगर आप अपना नेम, मम्मा का नेम टाइप करना चाहते हो तब हम keyboard का यूज करते हैं, करते हैं ना? Look here बेटा, these are alphabet keys. इन अल्फाबेट कीज में बेटा आपको आपके नेम की स्पेलिंग्स गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी स्टूडेंट का नेम, सपोज कीजिए रिया है, किसी भी बच्चे का नाम रिया है, तो हम इन अल्फाबेट कीज की हेल्प से रिया नेम को टाइप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आर आई वाई ए इन कीज को प्रेस करेंगे और स्क्रीन पर हमें ये नेम अपीयर्स हो जाएगा। और बेटा अगर आपको पापा का फोन नंबर टाइप करना है तब हम कौन सी कीज का यूज करते हैं? देन वी यूज नंबर कीज, दीज आर नंबर कीज। बेटा आपसे काम करते हुए मिस्टेक हो जाती है तो क्या कीबोर्ड में इरेजर होती है? यस, लुक एट द कीबोर्ड। देखो क्या कीबोर्ड में इरेजर गिवन है? यस, कीबोर्ड में इरेजर होती है जिसे हम बैकस्पेस की कहते हैं। दिस इज बैकस्पेस की। बैकस्पेस की इज यूज टू इरेज एनी मिस्टेक। और बेटा जब आपका काम वन लाइन में कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए हम कौन सी की का यूज करते हैं? एंटर की। दिस इज एंटर की। एंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। एंड बेटा दिस इज स्पेस बार की। स्पेस बार की क्या करती है बेटा? स्पेस बार की इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन लेटर्स, वर्ड्स एंड नंबर्स। और बच्चे एक चीज और आप ध्यान से देखो, दिस इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में बेटा जितनी भी कीज आपको गिवन है सबसे लॉन्ग की है ना स्पेस बार। इन द प्रीवियस क्लास यू लर्नड दैट यूजिंग अ कीबोर्ड यू कैन टाइप टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर। बेटा लास्ट क्लास में भी आपने कीबोर्ड को यूज करना सीखा था ना? कीबोर्ड की हेल्प से बेटा हम कंप्यूटर पर टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। Did you know that a keyboard also has keys that are not used for typing? क्या आपको पता है बेटा कीबोर्ड में कुछ कीज ऐसी होती हैं जो टाइपिंग के लिए यूज नहीं की जाती, अपार्ट फ्रॉम लेटर्स एंड नंबर्स। नंबर्स और लेटर्स के अलावा आप की से क्या कर सकते हो? यू कैन ऑल्सो एंटर सिंबल्स यूजिंग अ कीबोर्ड। लेटर्स और नंबर्स टाइप करने के अलावा आप कीबोर्ड से बेटा सिंबल्स भी एंटर कर सकते हो। वट एवर यू एंटर यूजिंग अ कीबोर्ड अपीयर्स ऑन द मोनिटर। मोनिटर पर बेटा आप जो भी एंटर करते हो, कीबोर्ड से आप जो भी एंटर करोगे वो आपको मोनिटर पर अपीयर्स होगा। नाउ वी विल डू सिंबल कीज। सिंबल कीज बेटा क्या होते हैं? जैसे आपको मैथ्स में सम्स करने के लिए आप प्लस का साइन यूज करते हो, माइनस का साइन यूज करते हो, इन साइंस को बेटा कंप्यूटर लैंग्वेज में हम सिंबल्स बोलते हैं। ठीक है, सिंबल्स आपको कहाँ दिए हुए होते हैं? कीबोर्ड में नंबर कीज के ऊपर साइड पर आपको सिंबल्स गिवन होते हैं जिनकी हेल्प से हम इन्हें कंप्यूटर्स पे टाइप कर सकते हैं। नाउ वी विल डू रीडिंग ऑफ पेज 62। सिंबल कीज। सिंबल कीज आर यूज्ड
टू एंटर डिफरेंट सिंबल्स इन अ डॉक्यूमेंट। बेटा डॉक्यूमेंट में डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स को ऐड करने के लिए हम सिंबल कीज का यूज करते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंबल कीज आर, आपको यहाँ पर सिंबल कीज के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंबल कीज। सम सिंबल्स आर प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द नंबर कीज एंड सम आर प्रिंटेड सेपरेटली। बेटा कुछ सिंबल्स आपको नंबर कीज के ऊपर वाले पोर्शन में दिए हुए होते हैं और कुछ सिंबल्स आपको अलग से दिए हुए होते हैं। लुक एट द कीबोर्ड गिवन हेयर टू सी वेयर दे आर। अब कीबोर्ड की तरफ देखो, यहाँ पर आपको कीबोर्ड गिवन है ना बेटा, यहाँ पर आपको ये जो येलो पोर्शन दिया हुआ है ये सभी क्या है, सिंबल कीज। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो ये आपको नंबर कीज है ना, इन नंबर कीज के अपर पोर्शन पर आपको सिंबल कीज दी हुई है और कुछ सिंबल कीज सेपरेटली आपको यहाँ पर दी हैं। फ्रेंड्स लुक एट दिस पिक्चर, दीज आर नंबर कीज और नंबर कीज के अपर पोर्शन में देखो बेटा दीज आर सिंबल कीज। सिंबल कीज गिवन है ना, और नंबर कीज के अलावा और कहाँ कहाँ पर आपको सिंबल कीज गिवन है, यहाँ देखिए दीज आर ऑल्सो सिंबल कीज। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ क्रिस्टोफर लेथम शॉल्स। नाउ रिपीट आफ्टर मी, क्रिस्टोफर लेथम शॉल्स। इन्होंने क्या किया था बेटा, ही इज द इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड। जो कीबोर्ड बेटा आप यूज करते हो उसको इन्वेंट किसने किया था, क्रिस्टोफर लेथम शॉल्स ने। नाउ वी विल डू लैब एक्टिविटी ऑफ चैप्टर 6 दैट इज गिवन ऑन योर बुक पेज 60। बेटा लास्ट चैप्टर हमने मोरन टक्स पेंट किया था, उसी से रिलेटेड आज हम एक लैब एक्टिविटी करेंगे। ड्रॉ द गिवन पिक्चर यूजिंग द टूल्स दैट यू हैव लर्नड अबाउट। अब बेटा हमने जितने भी टूल्स सीखे हैं उन टूल्स को यूज करके हम एक गिवन पिक्चर को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट पेज पर देखो, ये पिक्चर है बेटा, ये सीन हमने ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लिक ऑन न्यू टूल, सेलेक्ट द एम्प्टी कैनवस एंड देन क्लिक ऑन ओपन। देन अब बेटा हमारा जो ये कैनवस एरिया है इसको हम टू पार्ट्स में, टू सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। किसकी हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पेंट टूल। क्लिक ऑन पेंट टूल। अब यहाँ से बेटा हम कलर सेलेक्ट करेंगे, चूज ग्रीन कलर एंड ब्रश भी सेलेक्ट करेंगे हम, क्लिक ऑन इट एंड ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस। इस तरह से बेटा हम एक लाइन के साथ अपने कैनवस एरिया को टू सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। नाउ फिल मैजिक ब्रश को हमने, फिल मैजिक टूल को हमने सेलेक्ट करना है, क्लिक ऑन मैजिक टूल एंड देन फिल इफेक्ट, फिल मैजिक, क्लिक ऑन इट एंड चूज लेवेंडर कलर। लेवेंडर कलर देखो आप कहाँ पर है, जब आप क्लिक करोगे कलर के ऊपर तो आपको हेल्प एरिया में कलर का नेम शो करेगा, दिस इज लेवेंडर कलर एंड क्लिक ऑन इट। एंड अब बेटा हम इस एरिया में कौन सा कलर फिल करेंगे, बेज कलर। अब यहाँ पर देखो आप जिस कलर पर क्लिक कर रहे हो वो कलर आपको हेल्प एरिया में शो कर रहा है ना उसका नेम, देन सेलेक्ट बेज कलर, दिस इज बेज कलर, क्लिक ऑन इट, ओके। अब बेटा नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्टैम्प टूल की हेल्प से हम स्टैम्प पेस्ट करेंगे, क्लिक ऑन स्टैम्प टूल। अब यहाँ पर देखो बेटा डिफरेंट डिफरेंट स्टैम्प्स आपको शो कर रहे हैं, तो हमें किसकी स्टैम्प चाहिए, वेल का स्टैम्प चाहिए, तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे वेल का स्टैम्प कहाँ पर है।
देखो हम ऐसे लेफ्ट और राइट एरो पर क्लिक करके हम स्टैम्प्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर कहीं भी वेल का स्टैम्प नहीं मिला ना, तो हम आगे फाइंड आउट करेंगे। इसको राइट एरो पर क्लिक कीजिए और आपको सारी स्टैम्प्स आपको दिखाई देंगी। अब आपको जिस स्टैम्प की नीड है आप उस पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो बेटा, अब इस एरिया में हमें वेल मिल गया ना। वेल पर क्लिक कीजिए और इसको यहाँ पर पेस्ट कीजिए, लाइक दिस हो गया। अब हमें स्टैम्प टूल की हेल्प से ही टेंट भी पेस्ट करना है। ये देखो यहाँ पर टेंट गिवन है, क्लिक ऑन इट एंड टेंट को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये भी आपकी बुक में गिवन है तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टेंट को पेस्ट करेंगे, लाइक दिस हो गया। गुड नाउ, अब बेटा हमने ब्रिक्स टूल का यूज़ करना है। आपने ब्रिक्स टूल का यूज़ करना सीखा है ना। कहाँ पर होते हैं ब्रिक्स टूल? मैजिक टूल में। क्लिक ऑन मैजिक टूल एंड क्लिक ऑन ब्रिक्स इफेक्ट। देखो टू टाइप्स के ब्रिक्स हैं, आप कोई भी ब्रिक्स को यूज़ कर सकते हो। क्लिक ऑन इट एंड ड्रॉ ब्रिक्स। अब यहाँ पर बेटा हम ब्रिक्स ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, देन ड्रॉ अ बोट एंड अ मैन विद अ स्टिक यूजिंग द पेंट टूल। वी क्लिक ऑन पेंट टूल, सेलेक्ट थिकनेस ऑफ द ब्रश एंड चूज ग्रीन कलर। देन क्लिक ऑन ब्लू कलर, देन क्लिक ऑन ऑरेंज कलर। इस तरह से बेटा हमारी बोर्ड ड्रॉ हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक मैन को ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे और बेटा अब हम थिकनेस को और कम करेंगे, लाइक दिस। अब यहाँ पर हम मैन ड्रॉ करेंगे। मैन के हैंड में क्या है, एक स्टिक। स्टिक कैसी है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लाइंस टूल का यूज करेंगे, लाइक दिस। बन गया आप मैन विद स्टिक। नाउ वी ड्रॉ फॉर्म। फॉर्म कैसे हम ड्रॉ करेंगे, बबल्स ड्रॉ करने के लिए हम कौन से इफेक्ट का यूज करते हैं, फॉर्म का। क्लिक ऑन मैजिक टूल, देयर इज फॉर्म इफेक्ट। अब हम यहाँ पर फॉर्म इफेक्ट यूज करेंगे। बन गया ना सुंदर सुंदर फॉर्म इफेक्ट। नाउ वी ड्रॉ द एरोज यूजिंग द लाइंस टूल। क्लिक ऑन लाइंस टूल एंड क्लिक ऑन एरो। अब यहाँ पर हम इस तरह से क्लिक करेंगे तो हमारे एरोज ड्रॉ हो जाएंगे। नाउ अब हम बेटा फ्लावर्स एंड ग्रास टूल की हेल्प से हम फ्लावर्स और ग्रास को ऐड करेंगे। क्लिक ऑन मैजिक टूल एंड देन ड्रॉ ग्रास। ग्रास का कलर ग्रीन होता है सो वी चूज ग्रीन कलर। इस तरह से हम ग्रास ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ भी हम थोड़ी सी ग्रास को ड्रॉ करेंगे इस तरह से। नाउ वी ड्रॉ फ्लावर्स। क्लिक ऑन फ्लावर इफेक्ट, चूज कलर। डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग कलर्स चूज करेंगे। डन। नाउ वी ड्रॉ द ट्री। ट्री ड्रॉ करने के लिए हम कौन से टूल का यूज करेंगे, पेंट टूल। क्लिक ऑन इट एंड सबसे पहले बेटा हम स्टेम ड्रॉ करेंगे। स्टेम ड्रॉ करने के लिए वी सेलेक्ट ब्राउन कलर। अब यहाँ पर हम इस तरह से एक स्टेम बनाएंगे। इसको हम फिल कर देंगे। ओके, देन बेटा अब ये देखो हमारा पेंट टूल का ही ऑप्शन बॉक्स ओपन है तो हम ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर हमें एक तो यहाँ पर लीव्स पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन इट। अब यहाँ देखो हमारे ग्रीन कलर के लीव्स ड्रॉ गए। इस तरह से हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी लीव्स ऐड कर सकते हैं। आपके बुक में देखो दिया हुआ है ना डिफरेंट डिफरेंट कलर के लीव्स, रेड कलर भी हम ऐड कर सकते हैं और पिंक कलर भी हम ऐड करेंगे। देखो बन गया ना सुंदर सुंदर ट्री। यस, अब कैसा लग रहा है आपको विलेज सीन? अब हम इसका नेम टाइप करेंगे किससे? विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टूल, क्लिक ऑन इट। अब यहां पर बच्चे टाइप करना शुरू करेंगे हम वी आई डबल एल ए जी ई विलेज एस सी ई एन ई विलेज सीन। ठीक है, अब हमारा विलेज सीन बन गया। अब बच्चे देखो इतनी सुंदर सी ड्राइंग हमने बनाई है, तो क्या हम इसको सेव नहीं करेंगे? सेव करने के लिए क्लिक ऑन सेव टूल। अब हमारी ये ड्राइंग सेव हो गई। बेटा क्या आप सभी घर पर अपनी हेल्थ का ध्यान अच्छे से रख रहे हो? अच्छी हेल्थ के लिए हमें क्या करना है? न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी फूड खाना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक टू ईट जंक फूड। पसंद करते हो ना आप सभी जंक फूड खाना? बर्गर आपको बहुत अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, कोल्ड ड्रिंक अच्छा लगता है, बट बेटा आपको आपकी हेल्थ के लिए ये सभी फूड्स अच्छे नहीं हैं। इन सभी आइटम्स को हमें अपनी रूटीन से डिलीट करना है। ओके, और हमें किसको ऐड करना है अपनी लाइफ में? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, मिल्क, इन सब को अपनी लाइफ में इंसर्ट करना है, अपने डेली रूटीन में ऐड करना है। सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी। अच्छा अच्छा हेल्दी खाना खाओगे तो आप हेल्दी रहोगे। टेक केयर बेटा, थैंक यू।